Welcome viewers, this is NSTUDY Polynomials Chapter 3 Practice Set 3.1 and Introduction. अब अभी ये चैप्टर पोलिनोमियल से रिलेटेड है, क्लास 9 का चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। अब इसको हम लोगों को सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को रिव्यू करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर चैप्टर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स होता क्या है इसको जानना चाहिए। पोलिनोमियल्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो है पोली और दूसरा है नोमियल्स। पोली के मतलब होता है मेनी, पोली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, मेनी टर्म। इसका जो एज पर वर्ड्स जो मीनिंग है ये होता है मेनी टर्म। ये अल्जब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है। अल्जब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक और एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसे पोलिनोमियल कहते हैं। तो डिफिनेशन है, इन एनी अल्जब्राइक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स देन दैट अल्जब्राइक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। कोई भी अल्जब्राइक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। डेफिनेशन, इन एनी अल्जब्राइक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर के अलावा दूसरी चीज़ है, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। देन दैट अल्जेब्रिक होल नंबर, देन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पोलिनोमियल, इसलिए इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा। अब ये क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्स के फॉर्म में होता है, वाई के फॉर्म में होता है, एम के फॉर्म में, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसकी कुछ चीज़ों की वैल्यू तो नोन होती है, किसकी जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू अननोन होती है। तो इस तरह के जो का जो चीज़ होता है उसे पोलिनोमियल्स कहते हैं। और उसका जो कंडीशन है कि उसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई, डिफिनेशन पोलिनोमियल का हो गया। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स होता है। दूसरा क्या जानना चाहिए हम लोगों को? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है? उसमें कॉन्स्टेंट नंबर्स, जो कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं उसको कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। कॉन्स्टेंट नंबर जैसे 3-5, 1/2, 0, इस तरह के जो कॉन्स्टेंट नंबर हैं इसे भी पोलिनोमियल्स बोला जाता है, लेकिन इसे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स बोला जाता है। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल, उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या टाइप। पोलिनोमियल कई तरह के होते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी कई हिसाब से होता है। एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितने टर्म हैं उसके नंबर के हिसाब से ये उसका अलग अलग नाम होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या 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 चीज़ें हैं? मोनोमियल, मोनोमियल क्या है? उसमें एक टर्म होता है, मोनोमियल में ओनली वन टर्म, जैसे 3x, 7, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो टर्म कितना होता है मोनोमियल में? ओनली वन। मोनोमियल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन मोनोमियल का डिफिनेशन क्या है कि ये पोलिनोमियल तो है लेकिन इसमें एक टर्म होता है सिर्फ। उसके बाद बाइनोमियल में कितना टर्म होता है? दो टर्म होता है बाइनोमियल में। बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन बाइनोमियल का डिफिनेशन क्या है? बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जैसे x³ + x m² + 2m, यहाँ पे कितने टर्म है? टू टर्म है यहाँ पे एक टर्म है। मोनोमियल में एक टर्म होगा और बाइनोमियल में दो टर्म होगा। उसके बाद ट्राइनोमियल,
ट्राइनोमियल में ठीक इसी तरह से तीन टर्म होगा, ट्राइनोमियल कंसिस्ट थ्री टर्म्स, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, कितने टर्म हो गए इसमें, 1 2 3, थ्री टर्म हो गए। इसी तरह से कोई और एग्जांपल मेंशन किया जा सकता है, 3x² माइनस 4, इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें भी थ्री टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। पॉलीनोमियल्स को लिखा जाता है पी इन ब्रैकेट एक्स, क्यू इन ब्रैकेट एम, आर इन ब्रैकेट वाई, इस तरह से पॉलीनोमियल्स आर रिटन एज। तो किस तरह से डिनोट करते हैं पॉलीनोमियल्स को, पॉलीनोमियल्स आर, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, सिंबॉलिक फॉर्म है, वो भी जानना चाहिए, रिटन एज पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या हुआ, इस पॉलीनोमियल में जो भी टर्म होगा वो एक्स के फॉर्म में होगा, इसमें एम के फॉर्म में नहीं होगा। अगर मान लिया कि हम क्यू एम लिख रहे हैं, पॉलीनोमियल को प्रेजेंट कर रहे हैं क्यू एम से, तो इसके अंदर जो टर्म्स होंगे एम के फॉर्म में होंगे। अगर मान लिया कि आर वाई, आर वाई मान लिया कहीं पे डिनोट किया जा रहा है किसी पॉलीनोमियल को, ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके टर्म जो है वो उसके अंदर जो वेरिएबल्स होगा वाई के फॉर्म में होगा। ये तो हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। पॉलीनोमियल का हमारा कंटिन्यू है, पॉलीनोमियल इंट्रोडक्शन, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स। अब इसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे डिग्री कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी टर्म में, किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस कॉल उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहेंगे, इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। उसका एग्जांपल भी मेंशन करना पड़ेगा तो वो क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे एक्स टू द पावर 6 माइनस 3x² प्लस 4x, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलीनोमियल है। अब इसका डिग्री क्या है, अब इसके डिग्री का डिफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 6, इसका डिग्री क्या हो गया 6 हो गया, डिफिनेशन के हिसाब से इस टर्म का डिग्री 6 हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल इज जीरो, इसका मतलब यह हुआ कि मान लिया कि m है, 1 है कहीं पे, तो 1 को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, a टू द पावर 0, अगर किसी चीज के ऊपर जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू किसी के बराबर होती है, 1 के बराबर हो जाती है, तो ये क्या हो गया, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलीनोमियल, उसका टाइप ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये डिग्री के बेस के ऊपर भी पॉलीनोमियल का टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इससे पहले हम लोगों ने बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, जो पावर होता है वेरिएबल का उसके बेसिस के ऊपर भी इसकी वैरायटी होती है, इसकी काइंड्स होती हैं। अब लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री के बेसिस के ऊपर जो पॉलीनोमियल होता है उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब हुआ इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 होगा, लीनियर का मतलब इसका डिग्री, इसके इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वेरिएबल के इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी, तो उसे हम लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल भी मैंने जानना चाहिए, 2x माइनस 1 3y, ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा, इसलिए कि इसका पावर जो है, इसका इंडेक्स जो है कितना है, इंडेक्स 1 है, डिग्री इसका 1 है। इसको प्रेजेंट किसी से करते हैं, ax प्लस b के भी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं, ax प्लस b जो है लीनियर पॉलीनोमियल का एक तरह का प्रेजेंटेशन है, ax प्लस b। दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका डिग्री कितना होता है? टू होता है। यहाँ क्वाड्रेटिक वर्ड आएगा तो उसका डिग्री टू, ये याद रखना पड़ेगा, डिग्री टू। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन जनरल इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कंडीशन भी है ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए जो है ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? इसकी डिग्री जो है टू है, इसलिए। नंबर थ्री, नंबर थ्री में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री एक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री टू होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऑब्वियसली डिग्री थ्री होता है। यहां लिख दिया जाए डिग्री थ्री, थ्री डिग्री वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इन जनरल इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी डी वगैरह क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए बी सी डी ये सब सारी क्या चीज़ है? आर कोफिशियंट, उसे कोफिशियंट भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, कोफिशियंट भी बोल सकते हैं, ये कोफिशियंट्स हैं इसके। और यहाँ भी कंडीशन क्या है? ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, हर जगह यहाँ पे ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसे भी क्या, ए यहाँ पे भी क्या प्रोवाइडेड? ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्स है उसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर टर्म है इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब में जो टर्म है उसका भी ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर इसमें फाइव पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में है y प्लस वन अपॉन वाई, पूछा क्या जा रहा है? स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, ये बताना है क्या ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो ये पहला वाला जो है ये y प्लस वन अपॉन वाई, तो y प्लस वन अपॉन वाई ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसका जवाब है नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। नो क्यों होगा? यहाँ पे जो सेकंड टर्म है हमारा वन अपॉन वाई, बिकॉज उसका जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स ऑफ वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई का जो इंडेक्स है वो क्या है? वो माइनस वन है। वन अपॉन वाई का इंडेक्स क्या हो गया? माइनस वाई। कैसे हो गया? वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं? वाई टू दी पावर माइनस वन। यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है वेरिएबल का इंडेक्स क्या हो गया? ये होल नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स हो। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का जो इंडेक्स होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है हमारा वन अपॉन वाई, इसका जो इंडेक्स है ये होल नंबर नहीं है, ये माइनस वन है, माइनस वन होल नंबर नहीं होता, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो उसके साथ ऐड हो जाता है, जीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसका जवाब ये हो गया नो, एंड बिकॉज इंडेक्स ऑफ वन अपॉन वाई इज माइनस वन, ये इसका रीजन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा टू माइनस फाइव रूट एक्स, टू माइनस फाइव रूट एक्स ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये भी नहीं, इसका आंसर नहीं है। नहीं क्यों है? ये जो रूट एक्स है यहाँ पे, यहां भी लिखना पड़ेगा बिकॉज इंडेक्स ऑफ रूट एक्स, बिकॉज इंडेक्स ऑफ रूट एक्स का इंडेक्स क्या हुआ? एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू। रूट एक्स किसे बोलते हैं? एक्स के ऊपर जब हाफ पावर हो जाता है उसे रूट एक्स बोलते हैं। यहाँ पे नो, बिकॉज इंडेक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स टू दी पावर हाफ इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, वन अपॉन टू रेस्टल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है वन अपॉन टू। होल नंबर का क्या डेफिनेशन है? या जीरो होगा और काउंटिंग नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा और जीरो होगा, होल नंबर ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं है? तो इसका जवाब यस होगा। क्यों? इसका भी अगर कोई जवाब पूछते कि आखिर ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, इसका भी जवाब लिख देना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स का क्या है, एक्स का इंडेक्स क्या है टू, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है
इस सेकंड वाले टर्म का क्या है, वन, तो दोनों होल नंबर होगा, तो यस बिकॉज ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, होल नंबर, इस वजह से ये पॉलिनोमियल कहलाएगा नंबर। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में टू टू एम टू दी पावर माइनस टू प्लस सेवन एम माइनस फाइव, एक नजर में इसका जवाब क्या है, नो, नो क्यों है, इसलिए कि m का पावर यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस टू, और जब अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है। उसका क्या जवाब लिखेंगे, बिकॉज इंडेक्स ऑफ m इज निगेटिव, बिकॉज इंडेक्स ऑफ m इज माइनस टू, विच इज नॉट होल नंबर, विच इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट में हमारा टेन, टेन का जवाब होगा यस, टेन का जवाब यस क्यों होगा, इसलिए कि टेन को हम क्या बोल सकते हैं, टेन ए टू दी पावर जीरो बोल सकते हैं, अगर इसको वेरिएबल भी इसके साथ मिलाना हो तो टेन ए टू दी पावर जीरो, क्यों टेन ए टू दी पावर जीरो बोलेंगे, पार्ट फाइव, टेन, टेन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसका जवाब यस है, यस क्यों है, इसलिए कि टेन को हम क्या बोल सकते हैं, टेन ए टू दी पावर जीरो, ए टू दी पावर जीरो किस किस चीज के बराबर होता है, वन के बराबर होता है, किसी भी चीज का पावर अगर जीरो होगा तो वन हो जाएगा, मान लीजिए एम टू दी पावर जीरो, एम टू दी पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, वन हो गया, वन कैसे हो गया, मान लिया कि ऊपर भी एम है और नीचे भी एम है, अब ये दोनों एम है तो क्या हो जाएगा, एम एक का पावर तो प्लस हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एम टू दी पावर जीरो हो जाएगा, और ये एम टू दी पावर जीरो वन क्यों होगा, ये एम एम को अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या हुआ, वन से स्टार्ट किया और ये वन पे पहुंच गया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल का हो गया, और साथ में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को भी रिव्यू किया। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।